नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 7 अपने प्रथम सत्र में पाठ 9 तक पढ़ा। अब द्वितीय सत्र पाठ 10 शुरू करेंगे, वो है बाल लीला। इन्होंने सूरदास जी ने लिखा। इनका जन्म सन 1478 में हुआ और का निधन सन 1585 में हुआ। महाकवि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। वे दिल्ली मथुरा मार्ग पर यमुना नदी के किनारे गौ घाट पर रहते थे। माना जाता है वे जन्मांत थे। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने उन्हें वैष्णव धर्म की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। ब्रज भाषा में रचित सूरदास सुरसागर उनका सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। सुर का मन श्री कृष्ण की बाल लीला के वर्णन में अधिक रमा है। प्रस्तुत पदों में उन्होंने श्री कृष्ण की बालहट का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। पहला पद, अब मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, जे हो लोटी धरनी पे अभी तेरी गोद नय हो। सुरभि को पै पान न करीबो, बेनी सिर न गुथे हो ही पुतनंद बाबा को तेरी सुत न कहे हो। आगे आओ बात सुनी मोरी, बलदेव ही न जहो। शब्दों के अर्थ है, मैया यानी माँ, लेहो यानी लूँगा, जेहो यानी जाऊँगा, धरनी यानी धरती, सुरभि यानी गाय, बहनी यानी चोटी, कहो यानी कहलाऊंगा। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से हट करते हुए कहते हैं, माँ मुझे तो खिलौना के रूप में चंद्र ही चाहिए। यदि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना नहीं मिला तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा और मैं तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा तथा अपने सिर पर चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैं नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा, तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। माँ मेरी बात सुनो, अब से मैं बलदेव के साथ खेलने भी नहीं जाऊंगा। इस कृष्ण हट करते हैं चंद्र खिलौना लेने की और माँ की गोद में नहीं जाने की तथा बलदेव के साथ खेलने की भी बात नहीं कहते और कहता है, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं सिर्फ नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा। इस तरह वो बाल हट करते हैं और माँ को समझाते हैं कि मुझे चंद्र खिलौना ही चाहिए। बाकी का आगे बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।